जय हिंद दोस्तों। आज हम बेटे कार्रवाई करेंगे फ्लैट फुट की, कि फ्लैट फुट क्या होता है और फ्लैट फुट कैसे ठीक होता है, फ्लैट फुट होने से आपके अंदर क्या नुकसान आ सकता है, आपकी भर्ती में क्या नुकसान मिलेगा आपको, ये सारी जानकारी बेटा आज हम लेंगे। यदि आपके पैर में फ्लैट फुट है, आपके पैर में आर्क नहीं बनता है, तो आप मेडिकली अनफिट हो जाएंगे और आपको उस भर्ती से निकाल दिया जाएगा। तो पहले हम देखते हैं कि मेडिकली अनफिट होने के कारण जो आपका फ्लैट फुट है, फ्लैट फुट होता क्या है। आइए बेटा ये देखिए दोस्तों, जिस भाई के पैर में आर्क नहीं बनता है वो होता है फ्लैट फुट। तो बेटा आप पहले एक बार नीचे लेटिए, शाबाश पैर आप। ये देखिए दोस्तों, इस बच्चे के पैर में आर्क नहीं बन रहा है, ये पूरा इसका पैर फ्लैट है, इसको बोलते हैं फ्लैट फुट। बेटा आप एक बार इस पर खड़ा हो, लेफ्ट पैर आगे, वेरी गुड। ये देखिए दोस्तों, इस बच्चे के पैर में गैप नहीं है जरा सा भी, पूरा पैर इसका जमीन से चिपका हुआ है, इसको बोलते हैं फ्लैट फुट। ये बेटा कोई एक बच्चा ही है जिसका पैर क्लियर है, शाबाश बेटा आप बैठिए नीचे लेट। अब ये देखिए दोस्तों, इस बच्चे के पैर में पूरा आर्क बन रहा है, इसको बोलते हैं विदाउट फ्लैट फुट। इस बच्चे को अगर मेडिकली अनफिट करते हैं तो बेटा गलत होगा, ये बच्चा अगर किसी भर्ती में जाएगा, कोई भर्ती देखता है तो इसको वहाँ पे मेडिकली फिट कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके पैर में बिल्कुल आर्क बन रही है और इसके पैर में फ्लैट फुट नहीं है। ये बेटा पैर इस पर रख। ये देखिए दोस्तों, इस बच्चे के पैर में पूरा गैप आ रखा है, पूरा गैप अंदर तक, इसके लिए इसको मेडिकली फिट साबित कर देंगे और इसमें इसको भर्ती के अंदर कोई नुकसान नहीं होगा। आप दोस्तों देखते हैं कि आपको फ्लैट फुट ठीक करने के लिए क्या क्या कार्रवाई करनी चाहिए, आपका फ्लैट फुट कैसे ठीक होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं, पहली कार्रवाई है हमारी चेयर के ऊपर सिटिंग करके। जब आप चेयर पर बैठेंगे और आपके पास उसके लिए एक बॉल होनी चाहिए, चेयर पर बैठ के आप अपने तलवे के नीचे एक बॉल रखेंगे और उसको रोलिंग करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं क्या कार्रवाई है। ये देखिए दोस्तों, आपको अपने घर पर एक बॉल लेना है, एक कुर्सी पर बैठना है और इस बॉल को अपने तलवे के नीचे रख के रोलिंग करनी है। चल बेटा इस तरह बेटा आप अपने पैर से कम 30 सेकंड एक पैर के, 30 सेकंड एक पैर के, तीन तीन सेट करेंगे। इससे आपके पैर में बेटा जो आर्क है वो बनेगा और आपकी जो फ्लैट फुट की समस्या है बेटा वो खत्म हो जाएगी। ये बेटा आगे पीछे कर, पूरा पूरा आगे जा, पूरा पीछे जा, आराम आराम से, पूरा आगे पूरा पीछे, इस चीज़ को बेटा 30 सेकंड के तीन सेट में करना है। अगली कार्रवाई देखते हैं दोस्तों क्या होती है, जिससे आपका फ्लैट फुट ठीक हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये है नेक्स्ट कार्रवाई। इसमें आपको एक स्किपिंग रोप लेनी है और आपके पंजों के आगे फंसाना है। इसमें आपको पंजे आगे पुश करने हैं, देन पीछे लेके आने, फिर पीछे आगे, पीछे आगे, पीछे आगे। इससे क्या होगा, जब आप आगे लेकर आएंगे, प्रॉपर आगे करेंगे, तो आपका जो मसल है नीचे वाला वो उस पर पूरा इंप्रूवमेंट आएगा और आपकी जो फ्लैट फुट की प्रॉब्लम बेटा वो सॉल्व हो जाएगी। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट कार्रवाई, जिससे कि आपका फ्लैट फुट ठीक हो जाएगा। इस कार्रवाई में क्या करना है कि आपको एक फ्लैट सर्फेस लेना है, उसके ऊपर एक टॉवल रखना है और टॉवल को अपने पंजों से बेटा आगे की तरफ खींचना है, जिससे कि आपके जो मसल है, जो आपकी आर्क है, वो उस शेप में आएगी। हाँ, अपने पंजों से इसको लपेट, शाबाश, एक दो तीन चार पाँच छः, रिलैक्स, दोबारा कर इसको, शाबाश, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। ये थी दोस्तों तीसरी कार्रवाई, जिससे कि आपका जो फ्लैट फुट है वो ठीक हो जाएगा और आपके पैरों में जो है आर्क बनेगी और इससे आप मेडिकली फिट हो जाएंगे और आपकी जो प्रॉब्लम है फ्लैट फुट की वो नहीं होगी। तो ये थी दोस्तों कुछ एक्सरसाइज जो आप अपने घर पे कर सकते हैं और आपकी जो फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी और आप मेडिकली फिट हो जाएंगे। जय हिंद दोस्तों।